Hello guys, this is Nikki and I'm back with another video on the special occasion of Janmastami. Happy Janmastami Puja to all of you. And here I have shared the whole preparation of Puja at my home over here. But before that, take a moment to subscribe my channel and ek request hai, video ko puri tarah dekhiyega. Agar aapko acche lage to please like and share. सो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो है हमारे यहाँ ये जो भी पूजा है वो हमारे उड़िया कल्चर के हिसाब से है. तो हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो तो चूड़ा घसा डेफिनेटली बनता है. तो यहाँ देख सकते हैं आप मेरी मम्मी जो है चूड़ा घसा बना रही हैं, जिसमें चूड़ा यानी कि यू नो पफ्ड राइस बोलते हैं शायद, और चीरा भी बोलते हैं, गुड़ के साथ नारियल के साथ बनाया जाता है. इवन थोड़ा सा घी भी डालते हैं ऐसे. एंड पहले जो है पूजा के लिए हम भोग या फिर प्रसाद तैयार करते हैं. एंड गाइस हर साल हमारे घर जो भी हम पूजा जो है अरेंज करते हैं उसमें भोग हम खुद बनाते हैं. एंड इस साल जो है मामा मैं मिल के बना रहे हैं सारा का सारा भोग प्रसाद. एंड ये जो है ये चूड़ा घसा बोलते हैं उड़िया में, बिकॉज आई एम अ उड़िया. एंड तो इसीलिए जो भी हमारे उड़िया जो भोग प्रसाद बनते हैं उड़िया क्यूजिन के हिसाब से ऑथेंटिक वैसे ही बनाते हैं. तो देखिए अभी ये गुड़ के साथ पूरा मिक्स होके लास्ट में थोड़ा हम घी इस पे डालते हैं सो डैट कि ये पूरा का पूरा तैयार हो जाए. एंड मम्मा इसका जो है ना बड़े बड़े लड्डू भी बना रही है लाइक दिस. एंड ऐसे ही पूरा लड्डू जो है तैयार करेंगी. एंड ये वन ऑफ दी मेन जो है भोग लगता है. आप कोई भी पूजा देख लीजिएगा मतलब हमारे घर में स्पेशली इन उड़िया फेस्टिवल्स चूड़ा घसा एक कॉमन भोग है जो लगता ही लगता है. आई मीन इट्स लाइक अ मैंडेटरी. तो ऐसे जो है एक्चुअली चूड़ा घसा लड्डू नहीं बन इट्स नॉट लाइक लड्डू बट इसको ऐसे लड्डू बना के रख देंगे तो इट्स बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इसको प्रिपेयर करके सर्व करने में. सो मम्मी तो चल पड़ी है पूरा का पूरा लड्डू तैयार करने में. एंड इसके बाद ये इट्स रेडी लाइक दिस. कैसे लगे बताना ज़रूर कमेंट में. इसको चूड़ा घसा ही बोलते हैं. एंड जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा ये देखिए यहाँ पर बन रही है खीर. एंड ये दूध भी चढ़ा रखा है और ये जो है गुड़ का पानी है जिससे हम पीठा बनाने वाले हैं. अभी हम जो पीठा बनाने वाले हैं ये भी बहुत ट्रेडिशनल आइटम है, बहुत एक यूनिक सा क्यूजिन है. यहाँ पर मैं खीर देख रही हूँ एंड क्योंकि खीर भी इम्पॉर्टेंट है भोग के लिए. एंड ये जो पानी है ना ये पूरा रेडी है. आई मीन ये गुड़ का पानी है इससे हम पीठा बनाएंगे. ये सूजी का पीठा बनता है देख सकते हैं अभी मम्मा इसका डो हमने गुड़ के पानी में जो है सूजी डाल के ऐसे डो बनाया हुआ है. एंड इसको फिर हम जैसे मोमोज बनाते हो ना या फिर मोदक कह सकते हैं तो ऐसे मोदक टाइप का हम मोदक नहीं बना रहे हम इसको पूरा गोल एक राउंड शेप दे रहे हैं. एंड इसको हम बोलते हैं मोंडा पिठा उड़िया में बोलते हैं. एंड ये फ्राई किए जाते हैं. ये इसको फ्राइड वाले को हम ऐसे जैसे अभी रेडी हो चुके हैं तो इसको हम फ्राई कर रहे हैं ऐसे. एंड ये है काकेरा. सो जैसे टिक्की अगर शेप हो गया तो इसको काकेरा बोलेंगे. एंड काकेरा स्टफ्ड भी होते हैं एंड प्लेन भी होते हैं. वैसे स्टफ्ड वाला जो पीठा होता है ना उसमें हम नारियल ज़्यादातर देते हैं, नारियल खोया और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो ऐसे ही स्टफ्ड करके हम इसको फिर फ्राई कर लेते हैं पूरा का पूरा फ्राई होके जब डीप फ्राई हो जाए. एंड यस दिस इज़ रेडी. अभी मैं जो है वो मेरा भोग पूरा रेडी है एंड मैं इसको सब सेट कर रही हूँ. पूजा है गोपाल जी का तो लोटस लाना तो बनता था ना. तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो है प्लेट्स वगैरह भोग प्रसाद का वो सब सेट किया हुआ है. गाइस आप देख सकते हो और जो तीन चीज़ जो है हमने इसमें ऐड करा हुआ है. इसको नारकेल का लड्डू बोलते हैं, नारियल का लड्डू बंगाली में नारकेल बोलते हैं उसको, और तिल का भी लड्डू है. एंड ये आपको खोई बोलते हैं इसको, आई डोंट नो. एंड ऑब्वियसली हमारे जो
पंडित जी वो भी आ चुके हैं. सो यस, अभी पूजा शुरू हो चुका है. और हाँ, जो मेन चीज़ है मैंने नहीं बोला हुआ है कि गोपाल जी के पूजा में पांच चीज़ डेफिनेटली लगते हैं. एक तो पेड़ा, एक तो रबड़ी, एक तो मलाई, एक तो सफ़ेद वाला मक्खन, दही और दूध. ये डेफिनेटली लगता है. एंड गाइज ट्रस्ट मी, ये सारा का सारा जो चीज़ है ना वो सब हमारे घर में ही बना हुआ है. और मेरी जो मम्मी है वो तो एक्सपर्ट है घी के मामले में एंड दूध से जितने भी सारे चीज़ बनते हैं. एंड एक चीज़ मैं भी एक्सपर्ट हूँ रबड़ी बनाने में. एंड कहते हैं कि मैं अच्छा रबड़ी बना लेती हूँ, बट मैंने इस बार बहुत दिल से ट्राई किया हुआ है कि पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो जाए. वैसे गोपाल जी का जन्मोत्सव पूजा जो होता है ना उसमें होम या फिर आप हवन बोलते हो ना, तो हवन होना बहुत ज़रूरी है. तो उससे अच्छा होता है, उससे मतलब एक अच्छा सा एक पॉजिटिव वाइब्स भी मिलता है. सो दोस्तों, ऐसे ही हमने प्रिपरेशन सारी की सारी कंप्लीट कर ली थी एंड अभी पूजा भी ख़त्म हो रहा है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो कृष्ण जन्मोत्सव है आप सबके लिए बहुत शुभ हो एंड आप सब भी ऐसे ही एंजॉय किए होंगे जैसे कि हमने करी हैं. एंड आई विश एंड आई विल प्रे टू गॉड कि आप सबको जो है बहुत सारी खुशियाँ मिले एंड कान्हा जी सबको आशीर्वाद दें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड येस दैट्स इट. एंड उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा जो ट्राई है आपको ये अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे. अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना ज़रूर. एंड येस अभी तो भोग खाने का टाइम हो गया. देखो मैंने कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है. दिस इज़ खीर, दिस इज़ करी एंड ये सब पीठा है, दिस इज़ रबड़ी एंड ये कुछ फ्रूट्स एंड ये लड्डू एंड पेठा. आई होप आपको अच्छा लगे जाते जाते. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू गाइज, लव यू, तारा.